कैसे जाके दुकानदार को बोलेंगे कि हमको कंडोम चाहिए मतलब है ना, जबकि हमारी सोबत तो अनिल कपूर जैसे फिटनेस फ्रीक के साथ रही है, लेकिन हमने उसे कोई सीखा नहीं उससे। मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा समझे ना, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं तेरी शादी में आ गया तो मेरी प्रेजेंस से तेरी शादी होने से पहले तेरी शादी होती नहीं। इट इज एन एंटरटेनिंग फिल्म, इट इज ए वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरिंग फिल्म एंड देन एन एजुकेशनल फिल्म एट द सेम टाइम। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें 90s किड हैं अगर आप, तो आपके दिल में उनके लिए एक अलग जगह है। और अगर मिलेनियल किड्स हैं या कहें जेन जी हैं, तो आप इन्हें कुछ अलग ही अंदाज में जानते हैं, लेकिन दिल में ये सबके बसते हैं। सतीश कौशिक जी हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दीपिका, थैंक यू। पहले तो सर थैंक यू सो मच छतरी वाली जैसी फिल्म बनाने के लिए, बिकॉज फिल्मों का हिट होना उनका फ्लॉप होना ये बिल्कुल अलग मायने है, लेकिन मुझे लगता है इन फिल्मों का बनना बहुत जरूरी है और उन फिल्म का आप हिस्सा है, तो सबसे पहले तो शुक्रिया उसके लिए। और सर बताइए कैसा रहा प्रोसेस? आई थिंक ये मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी दीपिका, तो मुझे लगा कि एक तो बड़ी एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट है, एक छोटे से शहर की कहानी है, मतलब करनाल जैसे छोटे, मैं करनाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ के हाव भाव रहन सहन, वहाँ के किरदारों को जानता हूँ, असल में जो थोड़े आधे पंजाबी होते हैं आधे हरियाणवी होते हैं, यू नो मारवाड़ी भी है वहाँ पर, यू नो ब्राह्मण भी है वहाँ पर, तो वो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर, और बड़ी टैबूड सोसाइटी है मतलब है ना, ये बहुत समाज के कुछ ऐसी चीजों को दबा के रखा जाता है और जिसके बारे में कुंठा होती, मतलब कुंठित होते हैं आप कि उसके बारे में बात की जाए मतलब, और वो थी ये रिप्रोडक्शन की बात करें या सेक्स की बात करें या कंडोम्स की बात करें या मतलब सेफ सेक्स की बात करें, तो ये इसके बारे में एक्चुअली ऐसे शहरों के अंदर ज्यादा डिस्कस होता नहीं है, मतलब कंडोम खरीद तो वो भी अपने आप में एक बड़ा पूरा प्रोसेस होता है यार, कैसे जाके दुकानदार को बोलेंगे कि हमको कंडोम चाहिए मतलब है ना, तो वो लोगों में डर होता है, और हमारे टाइम में तो और ज्यादा होता था। तो जब छतरी वाली जैसी पिक्चरें बनती हैं तो वो एक्चुअली किसी मकसद से बनती हैं कि समाज में कुछ ऐसी बात कही जाए जिससे कि हम अपनी उस कुंठा को दूर कर सके, मतलब अब जो दबी हुई बात को उजागर कर सके, क्योंकि वो एक्चुअली लाइफ का ऐसा प्रोसेस है जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है मतलब है ना, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो जिंदगी कितना असर में है ना, और इसीलिए मेरा किरदार जो लांबा का कैरेक्टर है उसके अंदर, क्योंकि मेरे को करते हुए बड़ा मजा आया, बड़ा बड़ा छोटा कैरेक्टर था, बड़ी बड़ी सहजता के साथ था और बड़ा दिल का कैरेक्टर था, जो लड़की का इस लड़की के दर्द को जानता है रघुवर प्रीत के, यू नो, और उसको मदद भी करता है उसमें, और उसको बोलता है कि मेरे को पता है तू जहाँ काम कर रही है मतलब मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा समझे ना, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं तेरी शादी में आ गया तो मेरी प्रेजेंस से तेरी शादी होने से पहले तेरी शादी होती है। तो जहाँ ऐसी सोसाइटी में इस तरह की बात होती है और ऐसी फिल्म का आप हिस्सा बने जो एंटरटेनिंग भी हो और कुछ ऐसा मकसद दे भी जाए जो कि छतरी वाली ने दिया, क्या कम से कम ये सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो हम जो बात करें और जो रकुल प्रीत का पूरा कैरेक्टर है, तो दैट हैज कॉट ऑन विद द पीपल यू नो, और फैमिली फिल्म है, फैमिली, और आज हमको अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। सो दिस इज लाइक इन is an entertaining film, it is a woman empowerment, woman empowering film and then an educational film at the same time, you know, and with an entertainment, क्योंकि हम सोचते ना कि educational film बनाए तो यार बस ना भाषण ही देते रहे, नहीं, इसमें entertaining characters हैं, तो लड़की और खुद का character है, there is romance, there are songs, beauty, music picture का कितना अच्छा है छतरी वाला, so I'm very very happy that the film has been lapped up. पिछले कुछ टाइम में हम देखें तो कॉन्डोम और सेक्सुअल एजुकेशन से जुड़ी इस विषय के इर्द गिर्द कुछ फिल्में आई हैं, लेकिन जितनी सहजता के साथ और जितनी इमोशन कनेक्ट के साथ छतरी वाली ये बात कह पाई वो शायद इससे पहले नहीं पहुंच पाई, और ये उसके लिए बधाई कि ये फिल्म लोगों तक थैंक यू होता है। लेकिन पर ये मैं तेजस को बोलता था, वो कुछ ऐसा हुआ ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ गए कुछ, हाँ, मैं बोलता था चिंता मत करो, ये तुमने जो पिक्चर बनाई और पिक्चर की जो सीन्स है ना वो अलग है, कई बार बॉय मीट गर्ल्स की तो कहानी कभी बनेगी नहीं असल में, आपकी कहानी तकरीबन सेम होती है क्योंकि उसके जो जो पैरामीटर्स होते हैं, पर आप इस तरह से बयां कर रहे हो वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना, और किस इच्छा से कर रहे हो, ये पिक्चर पूरे दिल से बनाई गई थी कि ये बात पहुंचे, ना कि कोई सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए पिक्चर बनाई गई थी, ये किसी मकसद से बनाई गई थी और कामयाब हुआ और ब्लॉकबस्टर हुई, ये दूसरी बात है और अच्छी बात है असल में।
जी, कहते हैं ना सर, कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते समय हमने एक बड़ी अच्छी इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि जो बात मैं कहूँ वो बात अगर सामने वाले तक उसी भाव में पहुंच जाए तो कम्युनिकेशन सफल है, और यही बिल्कुल सफलता छतरी वाली के साथ है। लेकिन जितनी बात छतरी वाली की हो रही है, जब हम सतीश कौशिक जी का नाम लेते हैं, उतनी ही बात आजकल आपकी फिटनेस की हो रही है। तो सर, ये 66 की उम्र में ये जो फिटनेस का आपने ये जो मंत्रा शुरू किया है, क्या ये अनुपम खेर संक्रमण आपको लगा है या ये क्या है सर? देखिए, दीपिका सोबत का असर तो होता ही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सोबत जो होता है ना वो अच्छी है। और कई बार आप सोबत को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जबकि हमारी सोबत तो अनिल कपूर जैसे फिटनेस फ्रीक के साथ रही है असल में, लेकिन बिल्कुल हमने उसे कोई सीखा नहीं उससे। लेकिन कभी जिंदगी में पड़ाव आते हैं जहाँ आपको लगता है कि मतलब कुछ वो देर आए सवेर आए, वो वाली बात होती है। और बड़ा करेक्ट दे दूंगा अपनी बेटी वंशिका को, वंशिका जो है वो 10 साल की है, एंड आई हैड ए लेट चाइल्ड, लेकिन वो वंशिका का होना जो 2012 में पैदा हुई थी और 2014 में उसको लंदन लेके गया, मैं लंदन लेके गया तो मैं उसके साथ कहीं जा ही नहीं पाता था, बिकॉज मेरा वेट बहुत था तो मेरे से चला नहीं जाता था। और मैंने वो ट्रिप पे आने के बाद सोचा कि अब मुझे वंशिका के लिए अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ेगा, फिल्में बनानी है, फिल्मों में एक्टिंग करना है वो तो दूसरी बात है, बट फॉर वंशिका आई विल डू दैट, एंड दैट इज हाउ आई दिस थिंग। मैंने पहले भी एक बार 2018 19 18 में 30 किलो वजन लूज कर लिया था, फिर कोरोना आने की वजह से घर में बैठे बैठे खा पी करके फिर जी हो गया। अभी फिर दोबारा से से हम फिटनेस फ्रीक हो गए, असल में फिटनेस फ्रीक हो गए, बिल्कुल और ये मेरे को लगता है कि आजकल की बड़ी जरूरत है, बिकॉज इतना काम है। गॉड हैज गिवन मी अनदर चांस कि वो कॉमेडी करने वाला पप्पू पेजर, मुत्तू स्वामी कैलेंडर, और चलेगा। शराफत अली और जंबो जैसे रोल करने वाला जो एक एंटरटेनिंग था, आज मेरे को स्कैम जैसे रोल मिलते हैं, उड़ता पंजाब जैसे रोल मिलते हैं, बिल्कुल ब्लडी ब्रदर जैसे रोल मिलते हैं, गिल्टी माइंड जैसे रोल मिलते हैं, ये सब किरदार जो है अलग अलग और बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं मतलब। सो आई एम हकी, जी सो फॉर दैट आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ। कागज जैसी पिक्चर बनाई है, कागज 2 तैयार है अभी रिलीज जी होने के लिए, वो कंप्लीट किया है। तो कहने का मतलब ये है, फॉर दैट इफ यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, वो चाहे आप 24 के हो या 66 के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट इज कोई जस्ट द माइंड, फर्क द माइंड इट इज लाइक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज आज ये यंग जनरेशन से टक्कर लेने के लिए आपको यंग भी तो होना पड़ेगा ना असल में। तो तो आप है। माइंड से तो हो जाते हैं, लेकिन बॉडी से भी आपको अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द ओनली इंस्पिरेशन। आई एम वेरी हैप्पी दैट बिकॉज ऑफ वंशिका आई गेट दैट एंड अल्टीमेटली काम भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, काम भी ज्यादा मिल रहा है। मेरे को तो हमेशा लगता है कि मेरा मोटा होना मेरे रास्ते में आया, मतलब आई विश कि मेरा वेट बहुत पहले कम हो गया होता तो मैं और बहुत बड़ा एक्टर होता असल ये में। बिल्कुल सर देर आए दुरुस्त आए, और जैसे कहते हैं ना कि 66 एज इज जस्ट अ नंबर, तो अगर वो कहीं एप्ट बैठता है तो बिल्कुल आप पे बैठता है। आई नो टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन सर बिल्कुल जब आप मुझे पकड़ में आए ना इतनी मुश्किल से, तो मैं कुछ अहम सवाल पूछे बिना आपको नहीं छोड़ूंगी। 100 फिल्में, 20 का डायरेक्शन, इतने सबके इतने सारे दौर आपने बदलते देखे, लेकिन हाल फिलहाल का जो समय है, जैसे आपने कहा कि हम तो आपका 2.0 वर्जन देख रहे हैं फिटनेस में भी और एक्टिंग में भी और नए दौर में भी, लेकिन ये जो सिनेमा का दौर है जिसमें हिंदी सिनेमा पे, खासकर बॉलीवुड पे, जो सवाल आ जाते हैं कई बार कि हीरोइज्म खत्म है या इसलिए नहीं चल रही है और फलाने नहीं चल रही, मैं चाहूंगी क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप अगर मुझे बता पाए कि आपका क्या एनालिसिस है, जब आप इतनी सारी डिबेट या इतनी सारी कहानियां सुनते हैं, कहाँ हम कमी है और क्यों पठान आके हमें फिर से एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है कि हम एक बूस्टर डोज में कूदने लगते देखिए, क्या जहां तक हीरोइज्म की बात है ना, हमारे हमारी हिंदी फिल्मों में हीरो तकरीबन चेंज होते रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमारे बड़े सामाजिक हीरो होते थे, बड़ा भाई होता था, पति होता था, बिल्कुल। ऐसे जगह पर तो एक ये भी हुआ है जहाँ पे हीरो अपने आप को दर्द बोल देता था, देवदास वाली लैंग्वेज में होता था असल में। फिर हमारा हीरो आया राजेश खन्ना, फॉर एवर रोमांटिक आया, उसके बाद अब अमित जी ने हीरो बना दिया जो कि वेंजेंस के साथ था, मतलब है ना, थोड़ा सा एंग्री यंग मैन था असल में, उसके बाद और ऐसे आते रहे। और अभी अभी जो दौर जो आया है ना, मेरे को लगता है हीरो की परिभाषा ये चेंज हुई है कि हीरो हम में से हम सब हीरो हैं, जरूरी नहीं है कि हीरो लंबा चौड़ा सिक्स पैक वाला होना चाहिए। हीरो बिल्कुल वो है जो अपने एक्ट से हीरो बनता है, और ये रियलिस्टिक सिनेमा जो हमारा आया है, तो आज आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हीरो है ना कई पिक्चरों के अंदर, आज हाँ आयुष्मान खुराना भी है ना, आज पंकज त्रिपाठी ने भी कागज में हीरो का रोल किया है ना असल में, सही तो बात आज यादव भी कई बार लीड रोल में आता है असल में। तो
ठीक है ना, अनुपम खेर भी लीड रोल के अंदर आता है। हीरो की परिभाषा जो है ना वो थोड़ी चेंज हो गया, और मेरे को लगता है कि अब तो हम सिनेमा के बेस्ट पीरियड से गुजर रहे हैं सर, बिल्कुल जहां पे बिल्कुल फ्रीडम है, जहां हमको फ्रीडम है कोई भी सब्जेक्ट सोचने की, कोई भी फिल्म बनाने की, कोई भी। छतरी वाले सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उसको बिल्कुल कैसे एंटरटेनिंग वे। तो आज आज फिल्म मेकर की फ्रीडम, एक्टर जो है बड़े सदैव हो गए, एक पिक्चर एक टाइम के ऊपर करते हैं, डायरेक्टर जो है एक पिक्चर एक टाइम के ऊपर करता है, राइटर जो है वो एक पिक्चर एक टाइम पे लिखता है असल में। तो और पिक्चर शुरू हुई और खत्म हुई उसकी मियाद हमको पता होती है, ये पिक्चर खत्म होनी है। मतलब ऐसे नहीं कि हम पहले तो हम तीन तीन चार चार साल, और मैं तो मास्टर रहा हूँ, मतलब मैंने 5 साल में पिक्चर बनाई है, वो भी डिजास्टर बनाई है असल में। सो बट आई एम प्राउड ऑफ देम, आई एम प्राउड ऑफ रूप की रानी, चोरों का राजा, विच वॉज वन ऑफ द बिल्कुल बिगेस्ट डिजास्टर, बट दिस टाइम दिस वी आर गोइंग थ्रू द बेस्ट पीरियड वेयर वी हैव सो मच फ्रीडम, वी हैव सच ग्रेट माइंड्स, यंग जनरेशन आ गई है, वुमेन एम्पावरमेंट कितना जबरदस्त हो गया इंडस्ट्री में, लड़कियां कैमरा डीओपी भी हैं, प्रोडक्शन में भी काम करती हैं, समझे ना, राइटर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, मतलब आज आदमी और औरत मिलके, मतलब जो है ना माइंड हमारा जबरदस्त चल रहा है। इसीलिए हमारी हीरोइन जो है वो आज आज कोई ऐसा नहीं है कि इस हीरो की पिक्चर चलेगी, इस हीरो आज अच्छी होगी, आपका किरदार अच्छा होगा। आज पठान का चलने में आया कि कहीं उसके अंदर देशभक्ति की बहुत बहुत बड़ी बात है, बिग स्केल एंटरटेनमेंट है, और उसके जितने पैरामीटर्स हैं जो जरूरी है, चाहे वो गाने हो, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो, वो शाहरुख का एटीट्यूड हो, और वो मतलब पिक्चर का रख रखाव, जो इतनी बनाई है पिक्चर, और शाहरुख का अपना भी एक एंटरटेनिंग तरीका है वो सीरियस रोल करने का भी, तो मेरे को लगता है कि इसकी जो सक्सेस है वो बहुत मायने रखती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और देखा जाए तो 2022 से वो बात शुरू हो गई है, जहां आरआरआर चली, जहां पर गंगू भाई चली, जहां पे कश्मीर फाइल जैसी थॉट प्रोवोकिंग पिक्चर, इतना बड़ा बिजनेस किया, सही बात, 23 में फिर अलग चल रही है, और 2023 में बहुत ब्लॉकबस्टर्स आएंगे, आप देखिएगा इतने ब्लॉकबस्टर्स आएंगे। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू द बेस्ट पीरियड, और आज हम सोच सकते हैं, आज मैंने कागज 2 पिक्चर बनाई है जो अनुपम खेर दर्शन कुमार के साथ जो कश्मीर फाइल्स में थी, अलग ही, मतलब जो मैंने सोचा वो वैसे पिक्चर बन रही है सर, मैं इस टॉपिक पे, उसके अंदर वो टॉपिक आज तक किसी ने कभी टच ही नहीं किया, वो एक ऐसा ड्रिंग, वो कागज का मैं फ्रेंचाइज हो, आज फ्रीडम जो हो गई है ना वो अच्छी हो गया, वी आर गोइंग टू बेस्ट पीरियड, एंड 2023 विल बी द गोल्डन पीरियड, गोल्डन ईयर फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वेयर बॉक्स ऑफिस विल मेक बिग डिफरेंस। सो गुड, चलिए होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि वैसे सर मैं आपको कहूं कि मैं बहुत आपकी बड़ी फैन रही हूं, आपके काम की, आपकी सबसे बड़ी चीज आपकी स्टोरी टेलिंग की, तो मुझे तो ये अभी क्या ना खून लगाया थोड़ा सा, तो अभी मैं रुकने नहीं वाली हूँ, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मुझे आपसे आगे भी बहुत सारी बातें हम करनी, बात करेंगे आपके डेफिनेटली। पास थैंक टाइम हो, यू दीपिका, और थैंक बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, यू, थैंक यू, न्यूज़ थैंक एटीन यू, के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।